हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड बीटू में। मैं प्रियंका और मैं आप लोगों का भाई बीटू। तो कैसे हो आप सब? आप सभी लोग कैसे हैं? हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि आप लोगों के साथ कुछ बातचीत हो जाए, तो आज बैठ गए हैं आप लोगों के सामने बातचीत करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत से दिनों से हमने आप लोगों के साथ बातचीत नहीं की थी। हम लोगों ने सोचा कि आज आपके साथ बातचीत कर लेते हैं, और ब्लॉग में कुछ खास डालने को भी नहीं था, तो हम लोगों ने जो है आपके लिए एक स्पेशल गेम लाई है। तो गेम में मैं और पतिदेव खेलेंगे, तो जो भी गेम में हारेगा उसको, हम दोनों में शर्त लगी है कि जो भी गेम में हार जाएगा उसको शाम का खाना बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। तो अभी पतिदेव गए हुए हैं दुकान, क्योंकि दुकान में आ गया है कोई। तो जैसे ही वो दुकान से आते हैं तो हम लोग अपनी गेम चालू कर देंगे। और आप लोगों को जो है, हमने पिछले कुछ ब्लॉग भी डाले थे, वो दिखाए भी थे, लेकिन उनमें कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हमसे पूछ भी रहे हैं कि ऐसा भी क्या हो गया। जैसे संजय भाई हैं, सोलंकी जी, वो उनका कहना है कि भाई आजकल आपके व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते हैं। तो हम लोग भी सोच में पड़ गए हैं कि क्या हो गया है, क्यों ऐसा हुआ है। और पापा जी भी थोड़े से ऐसे ही हो गए हैं कि आजकल व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो आप लोग पिछले ब्लॉग भी देखिए, वो भी हमने अच्छे बनाए हैं। जैसे दीदी चूड़दार गए थे, तो चूड़दार में जो भी वहाँ की लोकेशन थी, वहाँ का नज़ारा था, वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो देखिए उनको भी ज़रूर। और हमारे बहुत सारे हमने ब्लॉग बनाए हैं, उन ब्लॉग में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हुई है, तो आप लोग ज़रूर देखिए उन्हें। तो जैसे ही पतिदेव दरवाज़ा खुलेंगे और निकलेंगे, तो हम लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे कोई आ रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे प्रोग्राम? आजकल तो फॉग चला था पिछले टाइम, आजकल कोरोना ही चला हुआ है। कोरोना तो जल्द से जल्द, जितने जल्दी वापस चला जाए अपने देश चाइना में, उतने बेहतर है। नहीं नहीं, चाइना भी क्यों जाए, ये बिल्कुल खत्म ही हो जाए कहानी इसकी। तो गेम खेलने के लिए आप लोग तैयार हो? हाँ बिल्कुल। तो एक बार फिर से सोच लो, अगर गेम हार गए तो आपको शाम वाला खाना बनाना पड़ेगा जरूर। मैं नहीं आ दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है शाम का खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। हार गए तब? मैं नहीं आता। हार गए तब? मैं नहीं आता, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। तो कई बार वो लो भी हो जाता है। लो हो जाए तब बीपी भी लो हो जाएगा। तो गेम कौन सी खेलनी है? कोई भी है, आई एम रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ गेम। अच्छा, तो अगर हारे तो फिर खाना तो बनाना ही पड़ेगा। चलो देखी जाएगी, अगर हार गए चलो बना लेंगे, वैसे आऊंगा तो नहीं। ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों में शर्त लगी हुई थी कि हम लोग गेम खेलने वाले हैं, तो कौन सी गेम खेलनी है मैं बताऊं? तो हम लोग गेम खेलने वाले हैं कि इनको लड़कियों में किस किस के नाम पसंद है, और मुझे लड़कों में कौन कौन से नाम पसंद हैं। तो आज पता लग जाएगा कि इनको सबसे अच्छा नाम कौन सा लगता है और कौन सा नहीं, और लड़कों में मुझे कौन सा अच्छा नाम लगता है। तो ठीक है, पर्चियाँ डालते हैं, पर्चियों हाँ। पे हम नाम लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग डालने वाले हैं पर्चियाँ, और पर्चियों में लिखेंगे उनके नाम। तो जो भी मेरा फेवरेट नाम होगा लड़कों में वो मैं लिख दूंगी, और जो भी इनका फेवरेट नाम होगा लड़कियों में ये वो लिख देंगे। तो इस तरह की पर्चियाँ हम लोगों ने ले ली है, ये खाली है देखिए। तो इस तरह की पर्चियों में हम लोग 5-6 नाम लिखेंगे, आप लिखोगे लड़कियों के ना, और मैं लिखूंगी 5-6 नाम लड़कों के। ठीक, तो मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। ठीक, तो स्टार्ट करो लिखना अपना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो भी फेवरेट नाम होगा ना, उस पे वो लिखना हो सबसे पहले। तो मैंने लिख दिए, कुछ नहीं है। ये मेरी पर्ची। तो ये रही मेरी पर्ची और ये रही इनकी पर्ची। तो इन्होंने काफी बड़ी पर्ची ली हुई थी, शायद ज्यादा ही नाम होने थे, और मैंने छोटा सा पर्ची लिया है। तो मैंने लिखे 5-6-7 नाम। तो अपनी पर्ची मेरे को दिखा और
चलिए तो आप पढ़िए पहले। सबसे पहला नाम क्या लिखा है मैंने? सलमान खान। ये सबसे पहला? सबसे पहले लिखा हुआ है पढ़ नहीं आ रहा शायद, मिस्टर इंडिया विनोद कुमार फिर उसके बाद सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, परमीश वर्मा। वाह वाह वाह, तुम बॉलीवुड और तो सिंगरों में घुस गए। हाँ, मैंने तो लिख दिया अपने फेवरेट नाम और इनके देखते हैं भला ये उधर तक पहुंचे भी है, बॉलीवुड हॉलीवुड तक की ही है, तक आस पड़ोस में ही है हटके हुए तो तो इनका सबसे पहला नाम है पड़ोस वाली अर्चना ये तो इन्होंने लिखा है कि मैंने बोला था कि जो भी आपका फेवरेट नाम होगा वो सबसे पहले लिखना है, तो सबसे पहले लिखा आपने पड़ोस वाली अर्चना और ट्यूशन वाली काजोल तो भले टाइम में ये जब आपके ट्यूशन पढ़ते थे काजोल से? नहीं, मैं तो नहीं पढ़ता था, और पढ़ते थे हम तो उन्हें देखते थे बस तो दूसरे नाम लिखा इन्होंने ट्यूशन वाली कालोज काजोल कालजा तो उसका पता नहीं कहाँ होना अभी काजोल और तीसरा नाम लिखा लता आंटी वाह वाह वाह, बहुत अच्छे नाम लिखे हुए हैं। मैं तो आपने बोला था कि भी यहाँ कोई भी नाम मतलब ऐसा लिख भी आप पसंद के यहाँ कुछ भी, आपने बोला था नाम लिखो बस मैंने चढ़ा दिया जैसे खाता कॉपी पे डालते हैं वैसे वैसे लिख दिया। और अगला लिखा है वर्षा अपनी बंदी गर्लफ्रेंड तो भाई अपना ना अपनी बंदी का नाम जो है उन्होंने लिखा हो बीच जैसे में चौथा नाम वर्षा और लास्ट में लिखा हुआ है अंकिता शिमले वाली। तो वैसे तो शिल्पा थी शिमले वाली पर यहाँ पे अंकिता शिमले वाली होगी तो अंकिता शिमले वाली तो आप भी हैं इसमें, पर्ची लिया होगा कि जो भी नाम थे वो तो लिख दिए, पड़ोस तक की थी और मैं चली गई थी उधर पंजाब तक और परमेश वर्मा भी नाम आया था पंजाब से गबरू तो मैं वहाँ तक थी। तो एक गेम तो हमारी कम्प्लीट होगी, इसमें सिर्फ हमने ये देखना था कि कौन से नाम फेवरेट हैं और कौन से नहीं। तो अब एक गेम तो कंप्लीट और दूसरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम, तो हम दोनों में लगी हुई है शर्त जो कि शाम वाले खाना बनाने की है तो आप ही बनाएंगे तो वो चूल्हे पे ही बनाना पड़ेगा, तो देखते हैं कि अगर आप हार गए तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मैं हार गई तो मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो रोज ही बनाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, गैस का यूज़ कर लूँगा मैं तो दूसरी जो गेम है उसमें हमने ये देखना है कि किसको सबसे पहले हंसी आती है, कितने टाइम के अंदर अंदर, अगर दो मिनट के अंदर 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 मुझे हंसी आ गई तो मैं मुझे बनाना पड़ेगा और इनको नहीं आई तो, अगर आपको नहीं आई ना तो मुझे बनाना पड़ेगा और मुझे नहीं क्या बोलना जिसको पहले हंसी आएगी वही बनाएगा खाना। हाँ, जिसको पहले हंसी आएगी ना वही बनाएगा खाना। तो यहाँ पे तो मुझे लक्षण दिख गए कि हारने वाले तो मैं ही हूँ ना, पर फिर भी मैं कंट्रोल करूँगी अपनी हंसी और देखते हैं कि कौन आ रहेगा और कौन जीतेगा। जीत तो अपनी है, अपने भी हैं। तो चलो पड़ोस से जरा बाहर निकलो और चूल्हे की तरफ आओ। चलो बॉलीवुड हॉलीवुड तो बाद में जाना पहले अपनी हंसी कंट्रोल करना। तो सबसे पहले कौन करेगा? तो अपना मोबाइल दे दो मुझे ना, चलो देखती हूँ बोला। तो 3:10 हो गया, 3:12 तक आपको अगर अंदर अंदर हंसी आ गई तब तो आप गए ना, और नहीं आई तब मैं गई। ठीक है, चलिए तो जरा फेस इधर कीजिए इनकी तरफ, तब बाहर नहीं बचिए हंसी यार, नहीं आए तो इनको क्या पता लगेगा क्या आप हंसते हो कि नहीं तो भाई हमने बनाया हुआ था आज झोल ना सुबह, और इन्होंने पी लिए कम से कम 5-6 थालियाँ और इनका पेट आप देख सकते हो तो इनको आ गई हंसी ना 1 मिनट के अंदर ही, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं करनी तो, ये तो भाई नेचुरल है। नेचुरल क्या है, ऐसे नेचुरल तब तो ऐसे हंस लेना किसने मन में, ऐसे कौन हंसता मन मन में। चल तो अब चल शुरू, तो क्या बोल, मैं जोड़ दिया है ना बहुत कम से कम 5-6 थाली पी हुई है, देखते हैं मतलब अब झोल निकलता भी है यहाँ से, मुंह से हंसी भी आती है उसकी की नहीं आती। तो यहाँ तो मुश्किल लग रहा है काम, तो पड़ोस वाली आंटी भी फेल हो गई और पड़ोस वाली क्या नाम का अर्चना भी, तो आपको हंसी नहीं आ रही है तो क्या करें, अब हंसी तो आनी चाहिए
हंसी आ गई, ऐसे भी नहीं करना था, मैंने बोला हार गए आप। तब भाई इनको 2 मिनट हो गए और तो इनको तो 2 मिनट के अंदर अंदर ही हंसी आ गई और ये तो गए। आप लोगों को पता है आई या मतलब निकलवाई गई जबरदस्ती, मतलब मैंने तो बोला नहीं कैसे भी हंसना है, मैं चाहे नाच नाच जाऊँ इधर। चलिए तो अब मेरी बारी है, ठीक है तो ऑल द बेस्ट। 2 मिनट के अंदर अंदर खाना बनाने का फैसला आपको ही लेना पड़ेगा। 3:12 हो गया, 3:14 तक चलो, ये देख लो टाइम आपके सामने है, 3:12 हो गए, 3:13 हो गए, 3:15 तक अब मेरी बारी है। तो टाइम स्टार्ट नाउ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो आप लोगों को पता लग गया कि विजेता कौन है। अभी मैंने खेली नहीं, अब मैंने स्टार्ट करनी है। चलो चलो, ऐसा नहीं होता, हो गया। तो ये तो होगी गेम, और आप सभी लोगों को पता चल गया कि डिनर की ड्यूटी लग चुकी है इन महानसे की। और आपसे एक बहुत ही खास बात भी करनी थी हमने, जो हमारा YouTube स्टूडियो है उस पर हमें एक मेल आई हुई थी, और हमने उस पर चेक भी किया कि जो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन है, जो हम ब्लॉग डालते हैं डेली बेसिस पे, वो हमारे मैक्सिमम सब्सक्राइबर के पास नहीं जा रहा है, ओनली मिनिमम ही सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहा है। बाकी ये मैसेज भी है हमारा सभी सब्सक्राइबर के लिए कि अगर आपके पास हमारा प्रीवियस ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन नहीं मिली है आपको, तो आप हमारे प्रीवियस ब्लॉग को ज़रूर देखें। 3-4 ब्लॉग हमने डाले हैं, उस पर कुछ मतलब उतना मैक्सिमम रिस्पांस नहीं आया है, बहुत ही मिनिमम लोगों तक पहुँचे हैं उनकी नोटिफिकेशन। तो प्लीज़ आप चेकआउट कीजिए हमारे प्रीवियस 3-4 ब्लॉग जो हमने डाले हैं रिसेंटली अभी। बाकी आप लोगों के बेटर सुजेशन की भी हमें ज़रूरत है, आप हमें अपनी सुजेशन भी दे सकते हैं कि हम अपने YouTube फैमिली को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, और अपने ब्लॉग्स पे किस तरह से हम अच्छा काम और आगे कर सकते हैं। बाकी प्रियंका, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप भी बोल सकते हैं। मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे प्रीवियस ब्लॉग जरूर देखें, और जो भी वहाँ पे बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर कीजिए, वहाँ पे आप ऑल पे क्लिक करेंगे तब आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाकी कुछ मतलब अपडेट हुआ है YouTube भी, तो उस वजह से भी मतलब ये हो सकता है। बाकी मैंने मेल भी की है YouTube का जो ऑफिस है मुंबई में, वहाँ उन लोगों को, बाकी देखते हैं वहाँ से क्या रिस्पांस आता है। तो बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपके पास हमारे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, और देख सकते हैं हमने रिसेंटली ही 4-5 ब्लॉग्स डाले हैं, और उन पे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया है, वो हमारे मैक्सिमम सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच पाए हैं। बाकी इस बेचारी को देखिए पसीना पड़ रहा है और इसका मुंह भी लाल हो गया है, तो चलो कुछ नहीं है, हार तो गई है, चलो मैं ही बना लूंगा खाना यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बना लूंगा डिनर यार। हाँ तुम चेहरा तो आपका रेड हो गया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी आज फ्रेंड आपसे यही गपशप हो गई, और काफी अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करके। बाकी जब भी हम लाइव वगैरह आएंगे तो आप लोगों को जरूर हम नोटिफाई कर देंगे पहले ही। और बाकी हमारे चैनल पे यूं ही बने रहिएगा, और हमारी YouTube फैमिली में सभी मेंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं आप लोगों के। बाकी आज के ब्लॉग में था इतना ही, कल इससे भी बहुत अच्छा ब्लॉग हम लेकर आएंगे, और हुआ तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन लाएंगे आप सभी लोगों के लिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।